आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कुक फूड वर्ल्ड में। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल में मेथी मलाई मटर की रेसिपी। तो अगर आपको मेरे सारे रेसिपीज पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम 1 कप मटर लेंगे और 2 कप मेथी लेंगे। मेथी को हमने काट कर धो लिया है। अब हम पैन में 1.5 गिलास पानी डालेंगे, मटर डालेंगे, और इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। हमें पानी को बॉईल नहीं करना है, इसे हल्का गर्म करना है। अब पानी हल्का गर्म हो चुका है तो हम गैस ऑफ कर देंगे। अब पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब कटे हुए मेथी को डालेंगे और इसे 5 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। हमें गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है। सॉटे करने से मेथी का कड़वापन निकल जाएगा। मेथी को हमने अच्छी तरह पका लिया है तो इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे, 2 रफली चॉप्ड प्याज डालेंगे, 7 से 8 लहसुन की कली, 5 कटे हुए अदरक के टुकड़े और 8 से 10 काजू डालकर इसे चला लेंगे। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। हमें इसे पूरा ब्राउन नहीं करना है। अब 2 रफली चॉप्ड टमाटर डालेंगे और टमाटर को अच्छी तरह पका लेंगे। टमाटर अच्छी तरह पक चुके हैं तो हम इसे ठंडा करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे, इसमें 3 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 4 छोटी इलायची और 5 लवंग डालकर इसे अच्छी तरह से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें पीसी हुई प्यूरी डालेंगे। आधा कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह चला लेंगे। अब इसमें 3 बीज से कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच नमक डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें मटर डालेंगे भुनी हुई मेथी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट पूरे हो गए हैं और ग्रेवी भी अच्छी तरह से तेल छोड़ रहा है तो हम इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे।
और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारीक कटे हुए धनिया और एक चम्मच गरम मसाला डालकर इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी तेल छोड़ रही है। और दिखने में भी एकदम टेस्टी लग रही है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। हमारा टेस्टी मेथी मलाई मटर रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।